हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन मास्टर। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन मास्टर में। आज हम लोग बिहार इंटरमीडिएट एग्जाम्स जिसमें साइकोलॉजी का प्रैक्टिकल कैसे बनाते हैं और किस तरह से बनाते हैं कि हमें 30 में 30 मार्क्स मिले, कहेंगे कि इंटरमीडिएट में साइकोलॉजी का प्रैक्टिकल कैसे बनाते हैं जिसे हम लोग मनोविज्ञान भी बोलते हैं। ओके, तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले, वैसे फ्रेंड्स जो मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इसी तरह के वीडियो का अपडेट और वायरल क्वेश्चंस का अपडेट सबसे पहले और सबसे जल्दी आपको मिलता रहे। थैंक यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप मार्केट से जो बुक खरीदेंगे वो इस तरह की होगी। ओके, तो ये साइकोलॉजी, ये हमारा नोटबुक है और ये इसी के साथ मिलता है प्रायोगिक मनोविज्ञान साइकोलॉजी, ये आपका क्या है, ये बुक है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे ये साइकोलॉजी, ये हमारा कॉपी है, कैसे फिल करेंगे इसको। तो सबसे पहले ये ओपन करेंगे तो यहाँ पे सर्टिफिकेट लिखा हुआ है। ओके, और पहला नंबर में है नेम, तो आप अपना नेम फिल कर सकते हैं। सेकंड नंबर में है आपका क्लास, तो हम यहाँ पे क्लास फिल कर देंगे। उसके बाद रोल नंबर, तो रोल नंबर जो हमें बोर्ड एग्जाम से मिलेंगे उसको फिल कर देंगे। फिर एग्जाम नंबर, ऐसे ये छोड़ देंगे, एग्जाम के टाइम हम जब एडमिट कार्ड आएगी तो उसको फिल कर लेंगे। इंस्टीट्यूशन मतलब जिस कॉलेज में या स्कूल में आपका एडमिशन है, कॉलेज का नाम या स्कूल का नाम। ओके, ये सब क्या करेंगे, ये सब छोड़ देंगे, वो एग्जाम्स के टाइम फिलअप हो जाएगा। ओके, नाउ इसका सिग्नेचर रहेगा और यहाँ पे प्रिंसिपल सिग्नेचर रहेगा और यहाँ पे जिस डेट को सबमिट करेंगे वो डेट। तो चलिए उसके बाद इंडेक्स में आते हैं। तो यह हमारा इंडेक्स है, इसमें सीरियल नंबर दिया हुआ है, कितने प्रैक्टिकल लिखना है, मिनिमम आपको 5 प्रैक्टिकल लिखना है, मैक्सिमम जितना फिल हो जाए कॉपी, जितना में भर जाए। ओके, तो चलिए नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, अगर पहला एक्सपेरिमेंट लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 1 और नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट जो हम बनाएंगे उसका नेम लिखेंगे और डेट ऑफ एक्सपेरिमेंट, जिस डेट में हम क्या करेंगे एक्सपेरिमेंट बनाएंगे उसको यहाँ पे लिखेंगे और पेज नंबर फिल कर देंगे। ओके, और आपको डेट ऑफ सबमिशन एंड रिमार्क्स छोड़ देना है, ये दोनों को फिल नहीं करना। उसी तरह से सेकंड नंबर हम प्रैक्टिकल लिखेंगे, तो लिखेंगे और प्रैक्टिकल का नेम लिखेंगे और एक्सपेरिमेंट क्या करेंगे, डेट ऑफ एक्सपेरिमेंट जिस डेट में आप बना रहे हैं उसका एक्सपेरिमेंट लिखना, डेट लिखना है और उसके बाद पेज नंबर लिखना है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पेज में। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज में आएंगे तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट नंबर लिखा हुआ, तो सबसे पहले हम जो पहला एक्सपेरिमेंट लिखेंगे जो हमारा बुक में दिया हुआ है, तो यहाँ पे 01 मतलब एक नंबर, प्रैक्टिकल नंबर 1 लिखेंगे। ठीक, इसे बुक से हम समझ लेते हैं। नाउ तो देखेंगे प्रायोगिक मनोविज्ञान, ये हमारा जो बुक है इसी बुक में से प्रैक्टिकल आपको लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम इस तरह से बुक ओपन करेंगे, तो ओपन करने के बाद हमें क्या यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे विषय सूची मिलेगा, मतलब कितने प्रैक्टिकल बनाना है। तो मिनिमम आपको 5, मैक्सिमम 5 से ऊपर 6-7 जो भी हो बना लेना है आपको। तो बुक खोलने पे हमें इस तरह से दिखाई देगा एक्सपेरिमेंट नंबर 1, प्रयोग नंबर 1। तो प्रयोग नंबर 1 है आपका क्या चीज, समस्या। तो सबसे पहले एक बात की ख्याल रखनी है कि आपको प्रैक्टिकल में 2 पेन का यूज करना है, एक ब्लैक और एक ब्लू, रेड पेन नहीं और नहीं किसी और तरह का, सिर्फ ब्लैक और ब्लू। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, हेडिंग देंगे, क्या लिखा हुआ है, मुक्त पुनरुत्पाद, क्या मुक्त पुनरुत्पादक विधि अथवा सरल पुनरुत्पादक विधि द्वारा शाब्दिक सीखना। तो इसको हम क्या करेंगे, हेडिंग देंगे, उसके बाद फिर ये सब ब्लैक पेन से हम लिखेंगे जो डार्क लिखा हुआ है, उसके बाद फिर कॉपी कर लेंगे ब्लू पेन से और यहाँ पे लिखेंगे एक्सपेरिमेंट नंबर 1, अगर आप एक बना रहे हो तो दिया हुआ। तो हम परिचय को क्या करेंगे, फिल कर लेंगे। इसी तरह हम क्या करेंगे, प्रयोग विधि भी दिया हुआ है आपका, और इस तरह से जो आपके ग्राफ होंगे या फिगर होंगे, तो फिगर हम क्या करेंगे, फिगर हम इस तरह के जो ब्लैंक पेज होगा तो इस तरह से यहाँ पे फिगर और आपको फिगर पेंसिल से ड्रा करना होगा। ओके, तो इस तरह से 2-3 पेज में अगर ये प्रैक्टिकल हो जाती है तो नेक्स्ट पेज में प्रैक्टिकल नंबर 2 हम लिखेंगे और उसके बाद ब्लैक पेन से प्रैक्टिकल का नेम लिखेंगे और जो भी हमारा बुक में दिया हुआ है उसको हम कॉपी करेंगे। ओके, जैसे सेकंड प्रैक्टिकल हमें लिखना है और ये लिखने का इच्छा आपको नहीं है तो क्या कर सकते हैं, आप थर्ड नंबर प्रैक्टिकल लिख सकते हैं और यहाँ पे एक्सपेरिमेंट नंबर कितना 2 दे सकते हैं, थर्ड नंबर यहाँ पे और आप अपने कॉपी में 2 लिख सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे प्रैक्टिकल का नाम है, यहाँ पे पहचान और अभिज्ञान। तो समस्या, जो समस्या दिया हुआ आपको ब्लैक पेन से लिखना है, उसके बाद जो डार्क में लिखा हुआ उसको ब्लैक पेन से लिखना है और बाकी को ब्लू पेन। उसके बाद यहाँ पे कुछ डायग्राम दिया हुआ, इसको क्या करना है आपको इस तरह के पेज में फिल करना है।
ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना है, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हमारी आज की क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कर दें, और मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इसी तरह की वीडियो का अपडेट और मैट्रिक इंटर के सभी विषयों के वायरल क्वेश्चंस का अपडेट, और वैसे स्टूडेंट्स जो मैट्रिक और इंटरमीडिएट में क्लास करना चाहते हैं, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू।